तो चलिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑफ द सर्कल चैप्टर। ओके, तो अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द सर्कल, दैट इज सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RM आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। तो आपको यहाँ पे बताया गया है दैट इज सेगमेंट MR एंड सेगमेंट NR आर द टू टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सिस पॉइंट R एंड OM एंड ON आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन प्रूव दैट सेगमेंट OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है कि पहले इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे और इस कॉन्ग्रुएंस के आधार पर हम कह सकते हैं दैट इज OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRO एज वेल MRN एज वेल एज MON। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो एंगल्स है यहाँ पे वो एंगल्स हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं बाय द CPCT और CACT। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल एम ओ आर एंड ट्राइंगल एन ओ आर इन ट्राइंगल एम ओ आर एंड ट्राइंगल एन ओ आर व्हाट इज दैट इज हाइपोटेन्यूस ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस ओ आर, क्योंकि यहां पे पहले लिखते हैं एंगल ओ एम आर इक्वल टू एंगल O and R equal to 90 degree each because by tangent theorem हम इसे tangent theorem से लिख सकते हैं because MR and MN are the tangent segments drawn from external point, but we know that tangent theorem that is radius is perpendicular to the tangent। okay, तो इसके बाद hypotenuse का hypotenuse OR congruent to hypotenuse OR because this is common side of both triangles। next segment OM congruent to segment ON because radii of same circle, ये radii of same circle है, radii of same circle, therefore we can say that triangle MOR congruent to triangle NOR by RHSS, RHSS इस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, therefore we can say that therefore angle MRO is congruent to angle NRO and maybe by CACD and statement number one, also angle MOR congruent to angle NOR also by CACD statement number second। अब statement first से हमने ये prove कर दिया है this angle is congruent to this one and this angle is congruent to this angle। तो ये दोनों angles हमने congruent prove किए हैं दो pairs of angles का, इसका मतलब therefore from 1 and 2 from 1 and 2 what is sec OR is bisector of angle MRN and angle MON। तो ये रहा आपका solution of the third question। अब इसके बाद हमें लेना है problem number last from the exercise, that is problem number 4। सेकेंड प्रॉब्लम लास्ट फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपको व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4.5 एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी है, लेकिन हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल let circle with center O is any circle and PQ and the RS are the two parallel tangents of this circle with center O, okay, and then what is given point A and B are the point of contacts
एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर. तो यहां पे हमने क्या किया है कि सपोज ड्रॉ सेगमेंट ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ ही जाएगा, वो सर्कल विद सेंटर ओ से पास होगा. ड्रॉ सेगमेंट ए बी, अब यहां पे डायरेक्टली आप कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. लेकिन ये जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर वो क्यों है और वो कैसे आता है, ये ही आपको इस फिगर में और इस क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई योर आंसर कहां गया, तो वो जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं, यहां पे मैं आपको बता दूंगा. तो सिंपल है कि यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इट मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पे ये दोनों लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर है ये तो पता चल जाता है, करेक्ट है. इसका मतलब इंडिविजुअली द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर ईच, बट उन दोनों लाइन का जो है वो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. इसका मतलब आपको ये परपेंडिकुलर है ये भी प्रूव करना पड़ेगा और पूरी लाइन एबी की भी आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. लेकिन यहां पे एक और सवाल है कि एबी की लेंथ फाइंड करते वक्त आपको ये जस्टिफाई करना है कि वाई एबी इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस ए ओ एंड बी आर द कोलिनियर पॉइंट्स. क्योंकि यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ओबी और OA आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स और मे बी OAB आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, वही हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर क्यों है. चलिए इसे देखते हैं. तो यहां पे हमने दो फिगर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं PQ पैरेलल टू IS. लेकिन चलिए इससे पहले भी हम एक बात सोच लेते हैं, व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम. हमारा टेंजेंट थ्योरम था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, इसका मतलब ये होगा कि एंगल OAQ इक्वल टू एंगल OBS इक्वल टू 90 डिग्री ईच. इसको हम सेगमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे. अब क्या करते हैं, ड्रॉ वन मोर लाइन पासिंग टू द पॉइंट और पासिंग टू द सेंटर O. हम क्या करेंगे, हम सेंटर O से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट लाइन ये है, सपोज आपकी लाइन M है, ड्रॉ MN पैरेलल टू द लाइन IS. अब आपको MN पैरेलल टू लाइन IS ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू द सेंटर O. पासिंग थ्रू द सेंटर O, अब आप देख सकते हैं MN इज पैरेलल टू द IS बाय द कंस्ट्रक्शन एंड IS इज पैरेलल टू द PQ बाय द गिवन. इसका मतलब ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब हम ये कह सकते हैं दैट इज MN पैरेलल टू PQ एंड AO ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी गेट एंगल OAQ प्लस एंगल OAN is equal to 180 degree because these two are the interior angles. ठीक है, but आपको इसका तो measurement पहले मालूम है equation first में, that is 90 degree. So hence we get this angle AON is also equal to 90 degree. Similarly we can find that is angle OBN equal to 90 degree. But now angle OBON plus angle AON equal to 90 plus 90 180 degree because they are angles in sorry वो 90 degree होता है. इसका मतलब ये हुआ what that is angle AOB is a straight angle. Angle AOB is straight angle. It means AOB are the collinear points. अब AOB collinear points में तो पहले आपने distance OA को find कर लिया है. That is OA equal to 4.5 and OB is also equal to 4.5. So hence that we give what the distance between two parallel lines it is equal to 2 times of the radius. That is 4.5 into 4.5. So 4.5 plus 4.5 it is equal to 9 centimeter. ये इस तरह से आएगा. चलिए यहां पर लेट लाइन PQ पैरेलल टू लाइन RS आर द टू टेंजेंट्स आर द टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड A कॉमा B आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है, अब ये लिखा है तो बट बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम यहां पे हम लिख सकते हैं व्हाट, बट बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBS equal to 90 degree, that is statement number 1. ये वो आपका statement first. Now,
अब क्या किया आपने, ड्रॉ लाइन MN पैरेलल टू लाइन IS पासिंग थ्रू O. हमने O से पास होने वाली लाइन MN पैरेलल टू लाइन RS निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ लाइन PQ पैरेलल टू लाइन IS ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन MN पैरेलल टू लाइन RS ये बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने कंस्ट्रक्शन की। सो PQ पैरेलल टू लाइन RS बाय द गिवन एंड MN पैरेलल टू लाइन RS बाय द कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर हम कह सकते हैं लाइन PQ पैरेलल टू लाइन MN पैरेलल टू लाइन RS बाय ट्रांजिटिविटी। अब ये ट्रांजिटिविटी से लाइन पैरेलल हो गए। अब नाउ लाइन PQ पैरेलल टू लाइन PQ पैरेलल टू लाइन MN एंड AO ट्रांसवर्सल, कौन से ट्रांसवर्सल लेंगे, AO ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी गेट व्हाट, देयरफॉर वी हैव दैट इज एंगल OAQ प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज बाय इंटीरियर एंगल्स, ये है इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम वन, क्योंकि हमने फर्स्ट में निकाला है दैट इज एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर वी गेट एंगल AON इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें एंगल AON मिलता है 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी गेट एंगल OBS इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBS भी कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज MN पैरेलल टू RS OB ट्रांसफर टेंजेंट सॉरी ट्रांसवर्सल एंड एंगल OBS प्लस एंगल OBON इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स, बट आपको एंगल OBS आपके पास सॉरी एंगल BON यहां पे हमें लिखना था एंगल BON, क्योंकि OBS ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 माइनस करने के बाद BON आएगा 90 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं आगे, नाउ एंगल विच वन, एंगल AON प्लस एंगल BON इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेंस व्हाट इज एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसे हम स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, एंगल AOB स्ट्रेट एंगल, देयरफॉर वी गेट A कॉमा O एंड B आर कोलिनियर, आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब
ये है आपके लास्ट दो प्रॉब्लम्स फ्रॉम द 3.1। अब इसके बारे में अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, इसके पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।